हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट वे स्टडी। मैं सुशील करना दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ले आया हूँ, जो कि बार बार ग्रुप डी एसएससी में पूछा जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या, परमाणु क्या संरचना है। परमाणु संरचना दोस्तों, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि अक्सर आते रहते हैं। तो डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहले क्या कहते हैं, एटम। एटम जो होता है, क्या होता है एटम जो होता है, ब्रह्मांड का वह छोटे छोटा कण होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या कहते हैं, एटम ब्रह्मांड का वह छोटे छोटा कण है जिसे हम विभाजित नहीं किया जा सकता है, या कह सकते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स, या बोल सकते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स। तो इसके अंदर जो होते हैं सब एटॉमिक होते हैं। सब एटॉमिक क्या क्या आते हैं इसके अंदर, सब एटॉमिक कौन कौन होते हैं हमारे, क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, तीन भागों होता है। इसमें पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा कितना होता है सब एटॉमिक में, प्रोटॉन होता है। और तीसरा हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर हमारा क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन होता है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो ये हमारा क्या होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रॉन, ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, ये हमारा उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज, जो ज्यादातर दोस्तों इसका खोज पूछा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ खोज, क्योंकि ग्रुप में डी में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन इसकी खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो था, जे थॉमसन ने, कौन सा, जे थॉमसन। ठीक है, और परमाणु का खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज कौन किया था, रदरफोर्ड। और इसका चैडविक, कौन किया था, चैडविक ने किया था। तो दोस्तों कहीं कहीं आता है कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को खोज किया था। तो गोल्डस्टीन में क्या हो दोस्तों, इन्होंने क्या किया, इसका खोज किया लेकिन इसकी थ्योरी नहीं दिया, उसका व्याख्या नहीं कर पाया, इसलिए इनकी गोल्डस्टीन को कम माना जाता है। किसको माना जाता है हमको, रदरफोर्ड को। किसको, रदरफोर्ड को। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड। तो दोस्तों अब देखते हैं, जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, दोस्तों इनका परमाणु मॉडल क्या है, जिस तरह तरबूजे का बीज जो होता है, तरबूजा जो होता है, तरबूजे के अंदर क्या होता है, तरबूजा लाल लाल होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, बीज काले काले होते हैं ना, उनका कहने का मतलब यह है, जिस तरह तरबूजे का ये अंदर सा भाग जो रेड होता है, उन्होंने क्या मान लिया, उसको पॉजिटिव मान लिया। क्या मान लिया, धन आवेश। ठीक है, उसको क्या कह लिया, धन आवेश। जो इसके अंदर जो बीज है, इस तरह बीज धसे होते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बताया कि जो तरबूजा होता है, तरबूजा जिस तरह होता है उसके अंदर बीज क्या होते हैं, धसे होते हैं, ठीक उसी तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है धसे होते हैं, क्या होते हैं, धसे होते हैं। और उसके अंदर जो भाग होता है, जो भरा हुआ भाग होता है, या गोला में जो ठोस भाग होता है,
वो क्या होता है, धन आवेश होता है। क्या होता है? धन आवेश होता है। तो इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तरबूजे की बीज की तरह क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं? तरबूजे के बीज की तरह धसे हुए रहते हैं। और जो ठोस वाला भाग है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, जो धन आवेश भाग होता है। क्या? ये बीच वाला जो लाल लाल भाग होता है क्या होता है, धन आवेश होता है। ठीक है, इनका परमाणु वाला क्या था कि इलेक्ट्रॉन तरबूज की बीज की तरह धसे हुए रहते हैं और उसके अंदर का भाग जो होता है धन आवेश होता है। इनका परमाणु मॉडल ये था। और बात करते हैं रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखते हैं। दोस्तों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, दोस्तों इन्होंने क्या किया था, कोई एमिट सोनी पतली पन्नी लिया था। इन्होंने क्या किया था, सोने पतली पन्नी क्यों लिया, क्योंकि सोने का जो होता है बहुत आघात का होता है, वो उसकी तार खींची जा सकते हैं पन्नी, यानी 100 नैनोमीटर तक इसको पतली पन्नी तरह इसको तार खींचा जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि सोना जो होता है गोल्ड हमारा आघात वर्धन होता है, इसलिए उन्होंने सोने की पतली पन्नी ली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इस पर अल्फा कण की क्या स्कैटरिंग करा दिया, अल्फा कण की बमबारी करा दिया। यहां से मान लो इमीटर की सहायता से क्या किया इन्होंने, अल्फा कण की क्या किया, बमबारी करा दिया। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि इसमें जो होता है धनावेश होता है इन्होंने, और क्या होता है अल्फा कण हमारा भी क्या होता है, धनावेश होता है। जैसे अल्फा कण हीलियम दो नाभिक में उससे बने होते हैं, तो इन्होंने अल्फा कण की जो बमबारी करा दिया किसे, अल्फा पार्टिकल से। जो अल्फा पार्टिकल से बमबारी करा देते हैं क्या हुआ, इसमें कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, सीधे निकल गए, और इस तरीके से क्या हुए, सीधे निकल गए। ठीक है, इस तरह से क्या हुए, सीधे निकल गए, लेकिन कुछ क्या हुआ, किसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर क्या हो गया, वापस लौट आए। क्या हुए, वापस लौट आए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो अल्फा कण पर बमबारी करा दिया सोने की पतली पन्नी पर, तो इन्होंने देखा कि अधिकांश जो है कुछ कण जो है सीधे निकल गए, और कुछ क्या हुए, रिफ्लेक्ट किसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर वापस चले आए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहा कि जो होता है अल्फा पार्टिकल जो प्लस चार्ज होता है, इस पर भी इन्होंने सोने पतली पन्नी पर इन्होंने बमबारी जब करा दिया, तो इन्होंने देखा कि किसी एंगल पे वापस चला आया और ज्यादातर सीधे निकल गए। तो इन्होंने कहा कि परमाणु का जो होता है अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। क्या होता है, जहां पर निकल गए, इन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, और बीच में जो छोटा सा भाग होता है जिसे नाभिक बोलते हैं, क्या होते हैं, नाभिक, जिसमें बहुत सारा कोई एक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसका आकार कितना होता है, बहुत ही छोटा होता है। क्या आकार, बहुत ही छोटा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। ठीक है, नाभिक दोस्तों इसमें क्या होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है हमारा, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, और क्या होता है इसके आधार क्या होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि इसके अंदर चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इस कक्षा में इस तरह एक कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जब क्योंकि हमारा क्या है, इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अंदर क्या है, ऋणात्मक चार्ज है। ठीक है, जब एक दूसरे से जब मिलते हैं प्लस और माइनस, क्या होता है, निगेटिव चार्ज, तो ये होता है कि इसके अंदर जो निगेटिव चार्ज का था उसे क्या बोलते हैं, हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने क्या होता है, ऑर्बिटल में चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते रहते हैं। अब देखते हैं कितने इसके ऑर्बिटल होते हैं, जिस पार्ट को चक्कर लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री लैंग्वेज में ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में क्या होता है दोस्तों, जैसे पहले ऑर्बिटल चक्कर लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, के, दूसरे को एल, फिर तीसरे को एम, चौथे क्या बोलते हैं, एन। इस तरीके से क्या अधिकतम कितने, 2n² ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं अधिकतम। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्या, पहले अगर n बराबर पहला ऑर्बिटल है, n बराबर क्या है, पहला ऑर्बिटल लेते हैं। ठीक है,
पहले आर्गुमेंट के लिए एन बराबर एक लेते हैं तो अधिकतम के लिए कितना हो जाएगा, टू एन स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू एन की वैल्यू कितनी, एक स्क्वायर इक्वल टू कितना हो, दो हो जाएगा। यानी पहले आर्बिटर में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरीके से दो इंटू एन की वैल्यू होगा, दो लेते हैं दो का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा टू इंटू फोर हो जाएगा, दूसरे में कितने आठ हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा आर्बिट लेंगे इसी तरीके, थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, टू इंटू कितना हो जाएगा नाइन, टू एटीन, तीसरे में आठ हो जाएगा अठारह हो जाएगा। इसी तरीके से टू इंटू कितना फोर का स्क्वायर लेंगे तो दो इंटू कितना सोलह, चौथे में कितना हो जाएगा बत्तीस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से है। और दोस्तों ज्यादातर जिससे एक क्वेश्चन आता है, परमाणु की नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक त्रिज्या 10 × 10 मीटर होती है, ठीक है, कितनी होती है 10 × 10। और दोस्तों इसमें जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसमें होता है इसे नाभिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं नाभिक, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। या फिर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं इसे न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन, ठीक है, क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन। नाभिक की साइज जो होती है 10^15 मीटर होती है, कितनी 15 मीटर। और दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था नाभिक थ्योरी किसने दी थी, तो एटम थ्योरी किसने दी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एटम थ्योरी को किसने दी थी, इसकी जॉन डाल्टन ने किया था, कौन सा जॉन डाल्टन ने नाभिक थ्योरी दी थी दोस्तों। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।